अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये नज़ारा जोधपुर के सबसे व्यस्ततम नई सड़क चौराहे का है। तेज़ गति से एक स्कॉर्पियो भाग रही है। ये नज़ारा किसी फिल्म शूटिंग का नहीं है, ये नज़ारा किसी कार के एग्जीबिशन का नहीं है, ये नज़ारा सोस्ती गेट का है, जो जोधपुर का हृदय स्थल कहा जाता है। अब आप इस वीडियो के साथ यहाँ की आवाज़ें भी सुनें। देखिए किस तरह एक तेज़ गति से स्कॉर्पियो यहाँ स्पिन कर रही है। वो भी लॉकडाउन के दौरान इस तरह की घटना जोधपुर में देखने को मिली है। ये वीडियो शहर में आज तेज़ी से वायरल हुआ। उधमपुर थाना पुलिस ने इस गाड़ी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू कर दी है। एक स्कॉर्पियो का वीडियो वायरल हो रहा है जो नाइट कर्फ्यू के दौरान चल रहा था। आज 4 जनवरी को एक वीडियो वायरल हो रहा था जो जोधपुर में काफ़ी मोबाइल नंबरों पर चला। उस संबंध में हमने जानकारी की तो रात को एक काले रंग की स्कॉर्पियो जो नई सड़क चौराहे पे है स्टैंड करती हुई पाई गई और उसने 2-3 राउंड नई सड़क चौराहे पर लगाए। ये तो रात का समय था, यदि दिन का समय होता तो जो भी वहाँ पर लोग विचरण करते हैं उनका जीवन संकट में पड़ता। इस वीडियो वायरल पे हमने तुरंत एक मुकदमा थाना उदय मंदिर पर दर्ज उस स्कॉर्पियो के चालक के विरुद्ध किया है और जल्दी ही हम स्कॉर्पियो को पकड़ करके और जो भी उसमें सवार थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। सर, अभी नाइट कर्फ्यू जारी है, उसके बावजूद भी ये स्कॉर्पियो निकला है। अब ये तो स्कॉर्पियो इतनी तेज़ गति से निकला, अब नई सड़क चौराहे पर आने के कई रास्ते हैं। अब पुलिस की जो नाकाबंदी है जैसे पावटा सर्किल पर बीच में से भी कई रास्ते हैं तो वहाँ से भी ये निकल करके आ सकता है, पर अगर इसने कानून का उल्लंघन किया तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, 100% कौन कौन सी धाराओं में किया गया है? ये अभी हमने 279 336 IPC में इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।